अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज एहतिशाम और आप देख रहे हैं मैं उर्दू ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे गूगल एडसन की ऑटो एड्स को अपने ब्लॉगर के ब्लॉग या वर्डप्रेस साइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा माय उर्दू ब्लॉगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि गूगल एडसन ने एक न्यू एड्स फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे टोटली हर जगह पे ऑटोमेटिकली सिर्फ एक कोड के साथ जो है वो एड्स को शो करवाता है। यानी कि आपको बार बार मुख्तलिफ जगह पे गूगल एडसन का जो है वो कोड प्लेस करने की जरूरत नहीं, जस्ट अगर आप हेड सेक्शन के नीचे ऑटो एड्स का कोड जो है वो प्लेस कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट पे हर जगह पे ऑटोमेटिकली एड जो है शो होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने फ्रेंड्स कैसे इसे अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में इंटीग्रेट करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है अपने गूगल एडसन के अकाउंट में और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड पे माई एड्स के टैब पे क्लिक करना है तो आपके पास फर्दर ये मजीद ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने इनमें से ऑटो एड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर मैसेज मिलेगा यू हैव नाउ गोट ऑटो एड्स, तो सिंपली फ्रेंड्स आपने ओके गोट इट के बटन पे क्लिक कर देना है और इधर से जो है इनको कस्टमाइज करना है। तो इधर से फ्रेंड्स आप जिस टाइप की एड्स को अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे शो करवाना चाहते हैं उनको इनेबल या डिसेबल कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपने इसे सेव पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने सेटअप ऑटो एड्स के बटन पे क्लिक करना है तो गूगल एडसन की तरफ से आपको एक ये कोड दिया जाएगा, आपने सिंपली इसे कॉपी कर लेना है और अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग फ्रेंड्स वर्डप्रेस पे है तो आपने सिंपली इस कोड को जो है वो कॉपी करना है और अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। जैसे फ्रेंड्स आप अपने वर्डप्रेस साइट के सी पैनल में आते हैं तो आपने इधर अपीयरेंस पे जाकर अपना कर्सर लेके जाना है तो आपके पास फर्दर जो है कुछ ऑप्शन ओपन होंगे, आपने इनमें सबसे नीचे एडिटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा इसे नीचे ड्रैग करना है इधर लेफ्ट साइड पे और इस सेक्शन में जो है वो आपने फाइंड आउट करना है हेड सेक्शन को इधर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स मुझे ऑप्शन मिला थीम हेडर का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इधर फ्रेंड्स आपको हेड सेक्शन मिलेगा, आपने इसके नेक्स्ट क्लिक करना है और सिंपली अपने कीबोर्ड की मदद से इंटर का बटन प्रेस कीजिए और जहां पे अपने ऑटो एड्स का जो एडसन का कोड है वो पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स आपने नीचे अपडेट फाइल के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपको फ्रेंड्स नीचे मैसेज मिलेगा कि फाइल एडिट सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स उसके बाद सिंपली आपने इधर से जो है वो अपनी वेबसाइट को एक मरतबा विजिट कर लेना है तो थोड़ी देर में आपकी वेबसाइट पे ऑटो एड जो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्यूचर में ऐसे ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।